Hello friend, what's up? Let's now start the most important chapter of your accounts. The chapter name is Final Account. ये chapter सबसे important है, बहुत interesting है and आपके आगे future में जो भी आपको chapters करने हैं 12th के अंदर, CA के अंदर, BCom के अंदर, उन सब का base ये chapter है. So you should have a expert. आपको इसमें expert बनना है ये chapter में. पर इस chapter को expert बनने के लिए you should know how the accounting process flow. मतलब हम accounting transaction करते कैसे हैं. देखो मैंने आपको क्या बताया था. जैसी कोई transaction हुई है हमारे company में, हमारे business में जैसी कोई transaction हुई है, सबसे पहले हम record करते हैं books of original entry के अंदर. ओरिजिनल बुक्स के अंदर और कौन कौन सी बुक्स होती हैं सर. एक होगी मेरी कैश बुक, ओके. एक है मेरा परचेज बुक, एक है मेरा सेल्स बुक. देन वी हैव अ परचेज रिटर्न बुक, ये सब बुक्स होती हैं. सेल्स रिटर्न बुक एंड जनरल प्रॉपर. I am not counting bill receivable book and bill payable book because वो कोर्स में नहीं है आपका. तो book general proper, okay. तो जैसे ही कोई transaction हुई है सबसे पहले हम record करते हैं book of original entry, cash book, purchase return, sales return, general proper. जो cash की transaction होगी cash में होगा, bank की transaction cash book में होगा, purchase की transaction purchase में, purchase return की purchase return में, और जो transaction कहीं पे भी नहीं आ रही है, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, वो general proper में आएगी. ये होता है. उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा ये जो process है ये flow होता है. कहाँ flow होता है? Ledger में. हम उसको posting बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Posting. We post, हम posting बोलते हैं. जैसे हमने बनाया हम सबके ledger बनाएंगे. Every account, जितने भी हमने account खोले, क्या वो मैंने क्या वो rent account खोला, salary account खोला, मैंने purchase account खोला, sales account खोला, every account मतलब audit expense, जो भी आपका commission expense, सारे के सारे जो भी मैंने account open किए हैं वो यहाँ पे होगा. Except दो account normally हम नहीं बनाते. कौन से? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनता, बिकॉज कैश और बैंक के लिए मैंने कैश बुक बना दी है और कैश बुक मेरी दोनों एंट्री है, बुक ऑफ ओरिजिनल बुक्स भी है और लेजर भी है. तो सारे के सारे मैं क्या करता हूं? पोस्टिंग करता हूं. ओके, मैं बनाता हूं ऑल अकाउंट एक्सेप्ट, आपको पता है, कैश एंड बैंक. नॉर्मली हम इनके अकाउंट नहीं बनाते. बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नॉर्मली हम नहीं बनाते. तो लेजर में पोस्ट कर लिया. लेजर मतलब अकाउंट बना दिया. उसके बाद हम क्या करते हैं? देन वी विल मूव टू द वेयर ट्रायल बैलेंस. क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. याद है ना आपको? हाँ. What is a trial balance? Trial balance is a summary of all the account. जितने भी मैंने account बनाए हैं वो सबकी summary होती है. तो ledger में जितने भी account खोले हैं plus cash book, जिसके भी account के balance है वो मैं बनाऊंगा. तो trial balance कैसा दिखता है? Trial balance में debit और credit होता है. Debit balance किसके होते हैं? जैसे पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, व्हीकल का, मशीनरी का, इन सब का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है. क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, आपका कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है. तो हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है. ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये समरी है. समरी है जैसे आप अपनी बुक में इंडेक्स बनाते हो ना, बस ट्रायल बैलेंस वही है. एक तरह से इंडेक्स है कि मेरा कैश का कितना बैलेंस आ रहा है, बैंक का कितना आ रहा है, सैलरी का कितना बैलेंस आ रहा है, रेंट का कितना बैलेंस आ रहा है, सेल्स का कितना आ रहा है, वो बैलेंस बताएगा. और किसी के डेबिट बैलेंस होंगे और किसी के क्रेडिट बैलेंस होंगे. और मैं आपको समझा चुका हूं किस किस के डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ध्यान रखना. चलो आपको यहां पे लिखवा भी देता हूं. पर्सनल अकाउंट का डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है. रियल अकाउंट का ओनली डेबिट बैलेंस होता है, ये बात ध्यान रखना, रियल अकाउंट का. और नॉमिनल का अगर डेबिट है तो इसका मतलब है वो एक्सपेंस है, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब है इनकम. ये बात हमेशा ध्यान रखना.
क्योंकि ये जो लॉजिक है ये इस चैप्टर में बहुत यूज होगा। पर्सनल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट होता है। पर्सनल मतलब मुझे किसी से पैसे लेने हैं या देने हैं, अगर मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो डेबिट बैलेंस, किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिट, ये यहाँ पर क्लियर है। रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, लैपटॉप अकाउंट, उसका डेबिट बैलेंस भी होगा बिकॉज या तो वो है या नहीं है। कैश रियल अकाउंट है, या तो वो है या नहीं है। भाई आज मेरी जेब में कैश है या तो नहीं है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव कैश। या तो मेरे पास कंप्यूटर है या नहीं है, इट कैन नॉट बी मेरे पास नेगेटिव कंप्यूटर है, वो कैसे हो सकता है। और व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, जो भी खर्चे हैं उनके बैलेंस डेबिट होंगे और जो भी इनकम है उनके बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। क्लियर है। अच्छा, ये मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस बनाया, और जब ट्रायल बैलेंस मैं जब बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेबिट लिखता हूँ और क्रेडिट लिखता हूँ, और इन दोनों का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल। बट आपको पता है अगर ये इक्वल नहीं आया तो हम क्या करते हैं, तो हम मूव करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं, और हाँ वी मेक श्योर कि हमारा डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमें एरर ढूंढना पड़ेगा। एरर ढूंढने के बाद भी हमें सारे एरर्स नहीं मिले तो सस्पेंस अकाउंट में डाल दो। क्लियर है। बट यू हैव टू मेक श्योर हमारा यहां तक मेरा खत्म हो गया। तो यहां पे इस चैप्टर में आपको ये हुआ हुआ है, ये हुआ हुआ है, आपने एंट्री भी कर ली, लेजर भी बना दिया और ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा भाई, ट्रायल बैलेंस बन गया ये मेरा, सपोज करो कि ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया। ओके, अब ये ट्रायल बैलेंस मेरे हाथ में आ गया, ये मेरा ट्रायल बैलेंस मेरे हाथ में पड़ा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है भाई कैश का बैलेंस कितना है, बैंक का कितना है, सैलरी कितना है, रेंट कितना है। बट अब मैं उस ट्रायल बैलेंस का क्या करूं, क्या करूं, देखो मैं करूं क्या, आप बताओ मैं इस ट्रायल में क्या करूं। मेरा मेन इंटेंशन बिजनेस करने का होता क्या है, मैं बिजनेस करता क्यों भाई, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं बिजनेस करता क्यों। सर मैं बिजनेस करता हूं प्रॉफिट कमाने के लिए, काम करता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो, मुझे इनकम हो, जिससे मैं अपना घर चला सकूं। तो मेरा मेन इंटेंशन है बिजनेस में प्रॉफिट लाने के लिए, तो मेरा मेन इंटेंशन ये है। तो प्रॉफिट कैसे मालूम होगा, यही तो मुझे मालूम करना है, प्रॉफिट कैसे मालूम होगा। तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए हर कंपनी, हर बिजनेस अपने बुक्स क्लोज करती है हर साल, और इंडिया में फॉलो होता है ट्रांजेक्शन कौन सा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। यहां तक समझ में आया? तो हर साल हर कंपनी, हर पार्टनरशिप फर्म बिजनेस क्लोज करती है और हर साल निकालती है भाई ये मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया ये वाले साल का। सपोज करो अभी साल चल रहा है 2018 और 19 चल रहा है, सपोज करो। ओके, तो 2018 और 19 का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक। तो इस साल में मैंने कितना कमाया, कितना नुकसान किया, वो ट्रांजेक्शन सब इसके अंदर है। बट मेरे को उसकी समरी है, सिर्फ मुझे बता रखा है कि मेरे खर्चे कितने हैं, मेरे पास क्या क्या है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम हर साल बुक क्लोज करेंगे। सर एक बात बताओ, हर साल बुक क्यों क्लोज करते हो आप, दो दो साल में बुक क्लोज करो ना, हर साल का क्यों करते हो, एक साथ दो साल तीन साल का एक साथ निकालो ना। माइंड में डाउट आ रहा है कि हर साल क्यों करते हो सर, तीन, अब आपने बिजनेस अभी तो चालू किया साल भर पहले, तो आप हर साल का इस साल का क्यों निकाल रहे हो, आप हमेशा दो तीन साल का एक साथ निकालो ना। इसका भी रीजन है, आप अपना एग्जाम देते हो, आपने 10th का एग्जाम दिया, आपने नर्सरी का भी पेपर दिया होगा, 1st क्लास का, 2nd क्लास का, 3rd क्लास का। नर्सरी क्लास की रिपोर्ट कार्ड अगर मैं आज आपको दूं तो उसका कोई मतलब है क्या? आज अभी आप 11th में हो तो आपको मैं नर्सरी क्लास में आपने कैसा परफॉर्म किया वो आज दूं तो उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको नर्सरी की रिपोर्ट कार्ड नर्सरी में मिलनी चाहिए थी, 1st क्लास की रिपोर्ट कार्ड 1st क्लास में। क्यों? रिपोर्ट कार्ड का मतलब क्या है? रिपोर्ट कार्ड का मतलब सीधा है भाई, आपने ऐसा पूरे साल में परफॉर्म किया, ये आपके प्लस पॉइंट है, ये आपके माइनस पॉइंट है, आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, आपके हिंदी में इतने मार्क्स आए, आपके इंग्लिश पुअर है, हिंदी पुअर है, एक्सेट्रा। तो रिपोर्ट कार्ड का मतलब ही यही है कि आपको बताना आपकी शॉर्टकमिंग क्या है और आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसीलिए रिपोर्ट कार्ड का इंपॉर्टेंस तभी होती है जब
जब मुझे वो टाइम पे मिलती है। तो अगर मुझे सेकंड क्लास की रिपोर्ट का सेकंड क्लास में मिल गई होती तो मुझे मालूम चलता, हाँ मैं इसमें मैं प्लस है, इसमें मेरा माइनस है, तो मुझे इसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। 11th क्लास की रिपोर्ट का अगर मैं 12th क्लास के बोर्ड्स के बाद दूँ तो क्या मतलब है? 11th क्लास में पढ़ा, आपने देखा यार मेरे यार हिंदी में मार्क्स कम आ रहे हैं या मेरे इंग्लिश में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो वो इंग्लिश में मैं इम्प्रूव करूँगा। मेरे मैथमेटिक्स में मार्क्स ज़्यादा हैं तो ठीक है, मेरा मुझे अगले साल मैथमेटिक्स पे इस पर सेम मेंटेन करना है, इम्प्रूव नहीं करना मुझे, ओके चलेगा। मेरा अकाउंट्स में मार्क्स कम है तो मुझे 12th में इंप्रूव करना है। तो आपको कैसे मालूम चलेगा? रिपोर्ट कार्ड। सेम वे कंपनी के अंदर, कंपनी के अंदर भी एग्जैक्टली सेम है, आपको रिपोर्ट कार्ड से मालूम चलता है। और वो रिपोर्ट कार्ड को मैं बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलता हूं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो एवरी कंपनी, एवरी बिजनेस, एवरी पार्टनरशिप फर्म, एवरी सोल प्रॉपर्टनरशिप फर्म, मतलब जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या वो 1% बिजनेस कर रहा हो या 1000% बिजनेस कर रहे हो, सबको रिपोर्ट कार्ड देनी पड़ेगी हर साल। और वो रिपोर्ट कार्ड को मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है। पहले ये लिखो, सॉरी टू इंटरप्ट बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा। नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है सो क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करो सो दैट यू रिमेन फुली अपडेटेड ऑफ ऑल द अकाउंटिंग वीडियो आई पोस्ट। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू वीडियो। So, what is financial statement? Financial statement, it provide the summary of the account of the business enterprise. By every company, every business को हर साल एक report card बनानी है और उस report card को मैं बोलता हूँ accounting word के अंदर financial statement, and it is a summary of account of a business enterprise. Summary है पूरे साल आपने क्या किया उसकी summary, और उसको मैं present करूँगा मैंने कितना कमाया और कितनी मेरी आज की पोजीशन है। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सी आई विल डिवाइड इनटू अ टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज बैलेंस शीट। जो रिपोर्ट कार्ड है दो, उसको मैं पांच पार्ट में डिवाइड करता हूं, पर मेन हमारे तीन पार्ट होते हैं, एक कैश फ्लो भी होता है, पर अभी हम उस पर स्ट्रेस नहीं देंगे। अभी हमें क्या बेसिक सीखना है कि जो भी रिपोर्ट कार्ड बनाता है उसके सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट होते हैं, कौन सा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताएगा? इट शो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन, मतलब मैंने पूरे साल बिजनेस में कितना कमाया। मैं यहां पे लिखता हूं इट शो द प्रॉफिट और लॉस जनरेटेड बाय बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है कि मैंने इस बिजनेस में पूरे साल में कितना कमाया, मतलब कि मैंने पूरे साल में 2 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, वो कैसे मालूम चलेगा? देखो आपको ट्रायल बैलेंस तो मिल गया, ये आपको ट्रायल बैलेंस मिला हुआ है, अब उसमें से आपको मालूम करना है कि मैंने पूरे साल में कितना कमाया, कितना मैंने नुकसान किया, मेरे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो कैसे मालूम चलेगा? और उसको मालूम करने के लिए मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये तो ट्रायल बैलेंस ही मालूम हो जाएगा, सर उसमें लिखा हुआ तो है सैलरी कितनी है, रेंट कितना है, सेल्स कितना है, माइनस करके बना दो। नहीं, इतना सिंपल नहीं है कि ट्रायल बैलेंस देखा और आपने बना दिया। इट हैव टू बी ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर अकाउंट, और जहां पे मैं बताऊंगा कि मैंने कितना कमाया। भाई अगर आज मैं कोई लेमैन को, आपने कोई शेयर में इन्वेस्टमेंट किया और आपको मालूम करना है कि रिलायंस ने कितना कमाया, तो कैसे मालूम करोगे? आप उसको बोलोगे ट्रायल बैलेंस दे, वो तो आपको 10 पेज का ट्रायल बैलेंस दे देगा।
10 पेज का दे देगा, ये लो भाई, ये लो आपका 10 पेज का ट्रायल बैलेंस, देख लो कितना कमाया। उसमें सारे अकाउंट है, सैलरी अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, मशीनरी अकाउंट भी है, व्हीकल अकाउंट भी है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो आपको मालूम करने के लिए यू शुड, आपको ये आप बोलोगे कंपनी को कि आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में करो, और प्रॉपर फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मुझे बताएगा मैंने कितना प्रॉफिट एंड लॉस बताया किया। And the next is the balance sheet. Next with the balance sheet, it shows the position of business on particular date. मतलब ये balance sheet क्या बताता है? पर्टिकुलर डेट पे आपकी क्या सिचुएशन है? मतलब मैं आपको बताता हूं, मैं आपसे पूछूं कि अभी बताओ, अभी आप या अपने मॉम डैड से पूछो, पापा एंड मम्मी बताओ कि आपने पूरे साल में कितना कमाया। मॉम एंड डैड आपको दोनों ने आपको आपने पूछा मॉम एंड डैड से पूरे साल में कितना कमाया, तो वो बोलेंगे ठीक है, मॉम बोलेगी भाई मैंने 8 लाख कमाया, डैड बोलेंगे मैंने 8 लाख कमाया, तो 8 और 8 कितने होते हैं? 16 लाख। तो मतलब उन्होंने 16 लाख रुपए पूरे साल में अर्न किए हैं, पूरे साल में उन्होंने जॉब किया और उससे सैलरी कमाई, तो टोटल उन्होंने 16 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है पूरे साल में, तो इसको मैं यहाँ निकालूंगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपके मॉम एंड डैड को, ठीक है ये तो बात ठीक है कि आपने अभी तक कितना पूरे साल में कमाया, वो बात ठीक है, अभी आज की डेट पे, आज 31 मार्च चल रही है, मुझे बताओ आज की डेट पे आपके पास क्या क्या है, आज की डेट पे आपके पास क्या क्या है, क्या क्या है का मतलब है आप बताओ आपके पास क्या क्या है। तो मॉम एंड डैड बोलेंगे देखो मेरे पास, यहां पे मैंने आपको एग्जांपल कितना दिया था भाई, 16 लाख, 8+8 लाख, ओके। यहां पे वो क्या बताएंगे पता है, यहां बताएंगे आपके मॉम एंड डैड बताएंगे देखो मेरे पास एक गाड़ी है, एक कार पड़ी हुई है, ओके वो बताएंगे मेरे पास कार है, सपोज करो वो 6 लाख की है, ओके वो बोलेंगे मेरे पास एक घर भी है, आपकी मॉम एंड डैड बोलेंगे मेरे पास एक घर भी बना हुआ है जो कि हमारा है, ओके एक हाउस भी है, सपोज करो वो 50 लाख का है, वो बोलेंगे हमारे पास ज्वेलरी भी है सपोज करो 10 लाख की है, 10 लाख की ज्वेलरी है, ओके और क्या बोलेंगे, और मेरे पास क्या है, वो बोलेंगे एक मिनट, मैंने आपके मॉम मिनट बोलेंगे मैंने एक दोस्त से 2 लाख रुपए उधार भी लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उधार मतलब लोन, मतलब आपके मॉम एंड डैड को उसको पैसे देने हैं। सर लोन क्यों लिया, अरे उनको रिक्वायरमेंट आ गई तो लिया हुआ था, तो बोलेंगे ये तो मेरे पास है और एक मेरे पास मैंने लोन भी लिया है 2 लाख का, एक दोस्त से लोन लिया है, और बोलेंगे मेरे बैंक में पड़े हैं पैसे, ओके कितने पड़े हैं बैंक में, बैंक में बोलेंगे चलो 3 लाख रुपए पड़े हैं, कितने पड़े हैं 3 लाख रुपए, समझ में आया। और सर जेब में कितने हैं, चलो भाई जेब में भी बता देते हैं, सर जेब में 1 लाख रुपए है, ओके तो अभी आप पूछोगे अभी की डेट पे बताओ कितने हैं, तो वो बताएंगे आज मेरे पास ये पोजिशन 31 मार्च को, भाई 31 अगर मैं 31 मार्च को बना रहा हूँ एज ऑन पर्टिकुलर डेट, मेरे पास एक गाड़ी है, घर है, ज्वेलरी है, बैंक है, कैश सपोज करो यही है, तो टोटल कितना हुआ, सर टोटल हुआ 50, 60 और 70 लाख, टोटल हो गया आपका 70 लाख, टोटल उनके पास 70 लाख का सामान पड़ा हुआ है, और ये क्या है, लोन है, 2 लाख का क्या है, लोन है, मतलब मुझे किसी को पैसे देने हैं 2 लाख रुपए, तो मतलब आज आपके मॉम एंड डैड के पास 70 लाख खुद के पड़े हैं, उसमें से 2 लाख रुपए उसको अपने उनको अपने दोस्त को देने हैं बिकॉज उन्होंने लोन लिया था, समझ में आया। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, बैलेंस शीट बोलता हूं। तो बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर डेट पे होती है, 31 मार्च की बैलेंस शीट और उसके बाद 1 अप्रैल की बैलेंस शीट अलग अलग हो सकती है, पर एक दिन में पूरी सिचुएशन बदल सकती है। आज आपकी जेब में 1000 रुपए, मैं ये गारंटी फिर नहीं बोल सकता कि अगले दिन भी 1000 रुपए होंगे,
हो सकता है अगले दिन आपने 400 रुपए खर्च कर लिए हो, तो अगले दिन 1 अप्रैल को आपके जेब में 600 रुपए। तो बैलेंस शीट हमेशा पर्टिकुलर डेट पे निकालते हैं हमारी आज की पोजीशन कितनी है, और ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है ये फॉर द पीरियड निकालते हैं। भाई 1 अप्रैल से लेके, सपोज करो अगर मैं 1 अप्रैल 18 ले रहा हूँ, तो 31 मार्च 19 तक कितना कमाया आपने, 18 से लेके 19 तक आपने कितना कमाया, ये पर्टिकुलर टाइम पे बताता है। तो पूरे साल में कितना अर्न किया, या फिर 3 महीने 4 महीने जो भी आपने टाइम पीरियड लिया, मतलब एक इतना टाइम पीरियड का होगा ये बताएगा, और आपने एज अ पर्टिकुलर डेट पे कितना अर्न किया वो आपका बैलेंस शीट बताएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। इट प्रोवाइड द समरी ऑफ द अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। इट कैन बी आपको एक्चुअली डिवाइडेड इनटू ये 5 होता है, पर हम उसमें अभी नहीं जाएंगे, पहले हम इसमें मास्टरी करेंगे। बस यही आपके कोर्स में है। एक और पार्ट है इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो, जो कि 12th के अंदर है, पर हम अभी उसमें एंटर नहीं होंगे। वी हैव टू लर्न, यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो तो आपका एडवांस स्टेज पे आएगा। तो एवरी बिजनेस प्रिपेयर द दिस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। सो फ्रेंड, दिस चैप्टर विल नाउ बी डिवाइडेड इंटू अ 3 parts। 3 part कौन कौन से हैं? पहला पार्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। एंड थर्ड, द बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। सो लेट्स नाउ मूव टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, लेट्स नाउ डू द ट्रेडिंग अकाउंट। Hello friends, thank you very much for watching the lecture. For complete video classes for this chapter and for the whole course of 11th and 12th, please visit my website www.accountfunder.com, or you can personally call at my number 9549168168. And please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel Account Funda. नीचे सब्सक्रिप्शन बटन है, उसको क्लिक करो, बेल आइकन को क्लिक करो, so that you remain fully updated of all the accounting video I post. Thank you very much.